ये दुनिया चंद शर्मिया मोहम्मद बख्श के ये दुनिया एक मुसाफर खाना कोई आवे कोई जावे किस दी जुरत मोहम्मद बख्शा इत पके डेरे लावे। और जितनियां भी रोशनियां जितने भी हसीन चेहरे मेरा पसंदीदा शेर इन्हां सारिया चला जाना मियां सकन के टुर जाने सब रंग रंगीले पर नाम खुदा दा रहना आए हाय कितनी खूबसूरत गल है आ चुके सुभाना कह दियो के टुर जाने सब रंग रंगीले पर नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मोहम्मद बख्शा असी अल्लाह अल्लाह कहना ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ए ना तेरी ना मेरी चार दिना दा ए दुनिया मेला ते फेर मिट्टी दी तेरी। और अब मैंने आपको अहले ज़ौक और गहरे बंदों के लिए शेर पेश करना है। है तो गांव ने मियां साहब ने दूध देखा मक्खन देखा लाली देखी कोल देखी गाय देखी भैंस देखी जो भी देखा लिख दिया। अब मियां साहब दूध तक मक्खन तक की कहने आपके लिए पेश करूंगा गहरा शेर है जो जोक रखते हैं जो समझ वाले हैं बोलेंगे के मक्खन दूध दे हजरत आपकी नजर करूंगा के मक्खन दूध दे अंदर खोंदा पर नजर किसे नू ना आवे आए हाय के मक्खन दूध दे अंदर खोंदा पर नजर किसे नू ना आवे उस नू ही बस ए नजरी आवे जड़ा अंदर चाती पावे। और मियां साहब कहने सोहनी शक्ल तक आशिक नहीं होना के चंगी सूरत ने ओए केड़ी जने आई आशिक बन तू उस सोने दा जिस ए शकल बनाई हा। और मियां मोहम्मद बख्श इस कलाम सुन के मियां साहब ने 14 किताबा लिखी पर गम ना खत्म होए अपने आप नु की कहने के बस कर मियां हो मोहम्मद बख्शा कोड़ा क्योंकि सारी उम्र ए दुख नहीं मुकने तब छवर का रह गया थोड़ा। आखिरी दोषित मियां साहब क्या कहते हैं कि बेली बेली हर कोई कहता है आज तुझे दोस्तों में बड़ा मान है। मियां साहब कहते हैं नजा के वक्त तेरा कौन दोस्त होगा कि बेली बेली हर कोई आंखे मैं भी आखां बेली पर उस वेले दा तेरा कोई ना बेली जदू जासी जान अकेली हा। और सदा ना बागी बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुस्न जवानी सदा ना सोबत यार। जावेद बूटा चौधरी बूटा आखिरी शेर इसी के साथ पेश कर दूंगा गुजरात वाले उनका कलम जब गरमाया वो क्या कहते हैं के काफ कखन दिया कुलियां रहन खलियां ते चुने कच्छ हवेलियां टेंदियां ने ओ वेले ओखड़े सोखड़े सजना लंग जांदे पर गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने तजड़ कहंदे सी नाल मरांगे तेरे
अज ओना भी बाजिया हारिया ने जड़े तरस देसन दीद नू दिने राती अज ओना भी बारिया मारिया ने मोहम्मद बूटिया ए झूठाई जग सारा पर कमली वाले दिया सचिया यारिया ने आखिरी शेर आखिरी शेर और आखिरी शेर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सुने जैसे मियां साहब ने लिखा। मियां साहब कहते हैं मिस्र के बाजार में जब ये कैद पड़ा तो मिस्र वाले हजरत यूसुफ का चेहरा देख के रह जाते थे। तीन महीने खलकत रगी वेख के यूसुफ की न्यानी। तो मियां साहब कहते हैं अगर मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा को देख लेते तो फिर क्या आलम होता। तीन महीने ओ खलकत रजी ओ वेख के यूसुफ की न्यानी पर जिन मोहम्मद अरबी तक आ आ चुके सुबाला और जिन मोहम्मद अरबी तक आ और रज गए दोनों जहानी।